दोस्त नमस्कार नमस्कार। बेंगलोर रॉयल टाइगर टीम कैसे हो आप लोग साथियों? रियली आज मैं बहुत खुश हूं। इस ऐतिहासिक दिन का मुझे बहुत इंतजार था। पानी पिलाने का जो क्रिएटिव मकसद है ताकि ये अपनी जो स्टोरी आपको बताना चाहते हैं वो और अच्छे से बता पाए और आप उसको और अच्छे से सुन पाए। थैंक यू साथियों। जिस दिन मैं सत्संग में ज्वाइन किया था वहां से लेकर आज तक हर दिन मैं इंतजार कर रहा था उस घड़ी का, उस पल का, कब आएगा मेरा लाइफ का ये ऐतिहासिक दिन। साथियों बहुत इंतजार करने का बाद साथियों आज का दिन, आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। रियली साथियों दिल से बोल रहा हूँ, भगवान को बहुत शुक्रिया धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस मंजिल पर पहुंचा दिया। और इसका साथ साथ में साथियों एक दिन मैंने जीरो था और कुछ नहीं पता था इस बिजनेस का बारे में। लेकिन साथियों जो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति क्योंकि ऊपर में भगवान है, मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया। लेकिन साथियों हमारा बीच में मेरे लिए ऐसा एक भगवान है जिन्होंने मेरा अंगुली पकड़कर मुझे बताया, चलाना सिखाया इस सब बिजनेस में मैं कैसे सफल बनूं। हर कदम, हर लेवल पर, हर जगह पर मेरा हाथ पकड़ के मुझे बताया। जो व्यक्ति मेरे लिए अनजान था, ना मेरा जात वाला था, ना मेरा गांव वाला था, साथियों वही व्यक्ति आज यूं बोलूं वो मेरे लिए भगवान है, मेरा रोल मॉडल, मेरा गुरु, मेरा मार्गदर्शक। वही व्यक्ति साथियों और कोई नहीं है, हमारा बीच में उपस्थित है मेरा गुरु, हमारा महामेंटर मिस्टर के सुना शंकर जी के लिए थैंक यू वेरी मच। इसका साथ में हमारा महागुरु मिस्टर विकास कुमार यादव जी एंड जसवीर महागुरु जी एंड ऑल डायमंड्स लीडर एंड मेरा प्यारा सा लवली टीम, मेरा प्यारा सा टीम है। साथियों आप लोग के वजह से, आप लोग का आशीर्वाद से मैंने आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। और साथियों आप लोग की कड़ी मेहनत से साथियों एक काबिल मुझे आज बनाया है। साथियों माय नेम प्रदीप कुमार साहू, विलेज रंपाकोट, पोस्ट ऑफिस पिठावला, पुलिस स्टेशन हरिचंदनपुर, डिस्ट्रिक्ट केंद्र, स्टेट उड़ीसा का रहने वाला हूं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। साथियों एक छोटा सा गांव में मैंने पैदा हुआ और जैसे मैंने पैदा हुआ मेरा पढ़ाई एजुकेशन की शुरुआत हुआ। गांव में मैंने एक से तीस क्लास तक मैंने एजुकेशन किया। उसका बाद मेरा गांव का बगल वाला गांव में मैंने हाई स्कूल के पास किया। उसका बाद सेकेंड पीसी कंप्लीट किया। उसका बाद डिग्री मैंने कंप्लीट किया। साथियों डिग्री कंप्लीट करने का बाद हर व्यक्ति का चाहत होता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, ये सर ना। साथियों मेरा भी मन कर रहा था मैं भी गवर्नमेंट जॉब करूं और उसके लिए साथियों बहुत बार मैंने कोशिश किया, बहुत सारा मैंने इंटरव्यू दिया, बहुत मोटी मोटी किताब पढ़ा। लेकिन साथियों मुझे कामयाब भी सक्सेस नहीं मिला। तो उसका साथ साथियों मैंने मन में विचार किया कि मुझे तो सरकार ने कोई नहीं मिला कि बिजनेस करता हूं। साथियों मैंने कपड़े का दुकान का बिजनेस शुरुआत किया। बिजनेस करने का बाद साथियों अच्छा चला शुरुआत में, लेकिन साथियों दो साल का बाद पूरी तरीके से लॉस हो गया। जैसे साथियों बिजनेस लॉस हो गया तो साथियों में से वहां से सीधा चला गया मुंबई जॉब करने के लिए, कुछ इनकम करने के लिए। क्योंकि साथियों मेरा घर में मेरा परिवार बोले से मम्मी पापा है, तीन सिस्टर, दो बड़े एक छोटे थे और मैं अकेला लड़का था। तो मुझे बहुत जरूरत था पैसा इनकम करने का। तो साथियों इसलिए मैं मुंबई गया। जब मैं मुंबई पहुंच गया साथियों, ना तब मुझे हिंदी आता था ना तब मुझे इंग्लिश आता था। तो साथियों कोई भी नौकरी नहीं मिला। साथियों छह महीना वहां पर मैंने ऐसे घुमा, टाइम पास हो गया। जैसे छह महीना हो गया साथियों, जिस हॉस्टल में खाना खा रहा था उनको एक भी पैसा नहीं दिया था और उन्होंने मुझे पैसा मांगना शुरू किया।
कि भाई साहब आपका 6 महीना हो गया, आप पैसा दो ये तो आपको खाना बंद कर दूंगा। तो साथियों मजबूरी में मैंने इस मुंबई में साथियों मैंने लेबर के काम किया बिल्डिंग में, जहां पे 20-25 माल की बिल्डिंग बनता था। तो साथियों वहां पे मैंने मुंबई में साथियों 50-50 किलो का सीमेंट का गोली मैंने उठाया कि जिसकी उस काम मैंने थैंक यू साथियों कभी मैंने उस स्तरीय का काम नहीं किया था, लेकिन साथियों मजबूरी था, खाने के लिए पैसा नहीं था, कर्जा हो चुका था। तो साथियों 50 किलो का गोली उठा के खान पे 10-10 माला बिल्डिंग को जाता था और इतना मोटा मोटा जुगाड़ सरिया मैंने खंड में उठाया। जब जब बीच बीच में टाइम होता था उसी बिल्डिंग का बीच में छोटा सा कमरा पड़ के रोता था कि भगवान क्या हो गया हमारा जिंदगी में। इतना एजुकेशन लेने का बावजूद भी आज मुझे ये लेबर काम करना पड़ता है। साथियों उसका बाद बहुत सारे कंपनी में छोटे मोटे काम किया, लेकिन साथियों कोई भी सफलता मुझे नहीं मिला। 3-4 साल गुजार गया मेरा मुंबई में। उसका बाद साथियों मेरा के दोस्त बेंगलोर में रहता था, उन्होंने बताया कि आप बेंगलोर आ जाओ यहाँ पे रहेंगे। तो उसका बाद साथियों मैंने मुंबई आ गया। मुंबई आने का बाद साथियों सेम कंडीशन हुआ मेरे को, यहाँ पे भी कोई नौकरी नहीं मिला। यहाँ पर भी साथियों मैंने शुरुआत में 6 महीना बैठा रूम पे, बैठने के बाद फिर उस रूम का कर्जा हो गया, फिर खाने का पैसा देना। तो साथियों मजबूरी में मैंने छोटा मोटा काम करना शुरू किया। उसका बाद साथियों मैंने मुंबई में टाटा स्काई कंपनी का काम किया था, थोड़ा बहुत मेरा पास एक्सपीरियंस था। उसका बाद साथियों मैंने मुझे बेंगलुरु में वीडियोकॉन डिटोच में काम करने के लिए मौका मिला, वहां पे साथियों मैंने काम किया। साथियों बहुत मेहनत में करता था, सवेरे 8 बजे उठता था और ऑफिस में 11-12 बजे तक फील्ड में घूमता था। यहाँ पे महावीर जी को देखा है, पर बहुत दोस्त देखा है साथियों, 25-30 किलो का बैग उठा के हर कस्टमर का घर में जाता था। लेकिन साथियों उसी तरीका से 4-5 साल मेरा गुजर गया, लेकिन साथियों कोई सफलता नहीं मिला। 5-7 साल होने का बावजूद भी मेरा बैंक अकाउंट में साथियों 100 रुपया का बैलेंस नहीं था। उसी वजह से घर से मुझे प्रेशर आ रहा था बार बार, मेरा मम्मी पापा यहाँ पर बैठे हैं, बोले तो शादी कर ले, एक बेटा है, हम मरने से पहले पोता पोते देखना चाहते हैं। लेकिन साथियों क्या करूं मैं, शादी करने के मन करता था फिर भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पैसा नहीं जेब में। जब जब अकाउंट में देखता था 100 रुपया बैलेंस नहीं है, तो उसका बावजूद भी शादी कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता था साथियों, मजबूरी था। उसी बीच में साथियों भगवान से हर दिन प्रार्थना करता था, हे प्रभु कुछ काम तो दे दे जिसके लिए मेरा जिंदगी बदल सके, मेरा अकाउंट में कुछ बैलेंस हो सके। साथियों उसी तरीका से हर दिन भगवान का पास मैं प्रेयर करता था। उसी बीच में साथियों के अनजान व्यक्ति का एक दिन मुझे कॉल आ जाता है और बताते हैं, साहू सर मैं आपका वीडियोकॉन कंपनी का कस्टमर हूं और मेरा कुछ रिचार्ज करना था, आपका पास आऊंगा रिचार्ज करने के लिए। तब इस बेंगलुरु बेंगलुरु में मेरा ऑफिस था, वहां पे मैं काम करता था। बोला ठीक है भाई साहब आप आ जाओ ऑफिस में। तो उन्होंने आया, उनका डिश का कुछ पैसा रिचार्ज किया और हालो हाय करके गया। फिर 3-4 दिन का बाद उन्होंने फिर मुझे फोन किया, फिर मेरा पास आया, मिला, चाय कॉफी पिया, फिर साथ में गया। उसका बाद साथियों फिर 3-4 दिन का बाद कॉल किया, बोला साहू सर मैं आपका घर पर आता हूँ आपसे मिलने के लिए। बोला सर वेलकम आइए। उन्होंने घर पर आया, घर में आके बैठा, जैसे उन्होंने हमारा घर पर आया साथियों वहां पे देखा मैं जिस रूम पे रहता था साथियों उसी रूम पे एक भी चेयर नहीं होता था मेरा रूम पे। जब उन्होंने मेहरबान बन के आया मेरा घर में, तो साथियों मेरा पास बड़ा सा चटाई था 4x6 का, उसको मैंने डाल दिया। बोला सर यहाँ पर बैठिए। वहां पे उन्होंने बैठा और मेरा साथ 5-10 मिनट बातचीत किया। बातचीत करने का सवाल पूछा, साहू सर आप बड़ा आदमी बनना चाहते हो? बोला ऑफ कोर्स। आप बताइए कोई व्यक्ति अगर पूछता है कि बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो क्या जवाब आएगा? ये सर ना हो। मैंने बोला सर चाहता हूँ। बोला सर आप जिंदगी में कहा लेना चाहते हो? बोला सर यस। सर आप हीरो बनना चाहते हो? सर यस। इस तरीके उन्होंने बात किया, उनका बात सुनने के बाद साथियों में मोटिवेट हो गया। बोला बताओ सर क्या करना पड़ेगा, आप क्या करना चाहते हो? तो साथियों उन्होंने ब्याज अपन किया, एक मुझे बिजनेस प्लान दिखाया। साथियों जो बिजनेस प्लान में देखा साथियों और कोई कंपनी नहीं था साथियों, हमारा ग्रेट कंपनी सेफ सब कंपनी था साथियों। थैंक यू।
साथियों बिजनेस प्लान दिखाया, जैसे कि पहला स्लाइड में दिखाया, सुंदर सा कार, सुंदर सा घर। तो सर आपको चाहिए? मैं सर ये सब कोर्स मुझे चाहिए। देखा फ्लाइट में सफर करना सर, जिंदगी भर आप फ्लाइट में सफर करोगे? तो सर हाँ मैं करना चाहता हूँ। तो साथियों प्लान दिखने का बाद सब उन्होंने बताया, एक का बाद स्लाइड बता लिया। और साथियों लास्ट स्लाइड में उन्होंने मुझे बताया कि साहू जी अगर आप इस बिजनेस में आते हो, अगर आप बात को आप मानते हो कि साहू सर आप यहां से पर वीक 2 लाख पर मंथ 1 लाख इनकम कर सकता है। जैसे साथियों ने मुझे बताया तो साथियों मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बोला भगवान आज क्या कर दिया आपने, इस व्यक्ति को भगवान रहा बता, लेकिन मेरा पास भेज दिया। थैंक्स गॉड, थैंक्स माँ सरस्वती। उसी दिन मेरे गला में ना नहीं किया मेरे साथियों, हाँ किया, डिसीजन लिया और तुरंत साथियों मैंने उसी दिन सेफ सब कंपनी में साथियों ज्वाइन कर लिया। मैंने ज्वाइन कर लिया। थैंक यू वेरी मच। ज्वाइन करने का बाद साथियों 2-4 लोगों को बताया ऐसा ऐसा कंपनी मैंने शुरुआत किया बिजनेस, आप भी आ जाओ मेरा साथ करो। साथियों सारे लोगों मना किया, फिर उनको मैंने फोन किया सर बताइए कोई एक भी मना कर रहा है इस बिजनेस में आने के लिए? तो बोला साहू सर आपने कुछ भी से अभी तक सीखा नहीं, कुछ भी आपको कंपनी का बारे मालूम नहीं है तो कैसे बिजनेस चलेगा? मेरे पास सही बात है सर, रियलिटी सर बताओ सर क्या करूं? उन्होंने मुझे बताया हमारा करमंगला विवेक नगर में हमारा टीम का महान लीडर है मिस्टर के सुभाष शंकर जो आप ट्रेनिंग देते हैं। बोला फ्राइडे इवनिंग को 7 बजे वहां पे ट्रेनिंग होता है, आप आओ वहां पे बैठ के सीखो, जब आप बाहर निकलोगे आपका साथ सारे लोग ज्वाइन करेंगे। तो साथियों मैंने वहां पर गया, लेकिन जब ट्रेनिंग के लिए मैं गया क्या करूं साथियों, दिन भर काम करता था, 25-30 किलो का बैग लेके उठाता था, बंद होता था ट्रेनिंग सुनने के लिए, ट्रेनिंग हॉल में जाता था, पीछे सीट में मैं बैठ जाता था, मेरा बड़ा सा बैग नीचे गाड़ी में रखता था, जैसे मैं पीछे बैठ जाता था तो साथियों ऐसा नींद आता था और पीछे बैठ के साथियों में पूरा सो जाता था आराम से और ऊपर ध्यान चलता था। क्या करूं, मैं चाहता था ट्रेनिंग लेने के लिए लेकिन मेरा बड़ी साथ नहीं देता था, दिन भर मेहनत करके आता था। पता नहीं सब गुरु जी वो दिन सोचते होंगे कि साहू बेकार इसको यार क्यों आ रहे, सारे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे, लेकिन क्या करूं मेरा मन होता था, हर फ्राइडे में जाता था। जाने का बाद साथियों मैंने सीखा थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे नॉलेज आया, वहां कुछ ने बताया ऐसे ऐसे करना, ऐसा ऐसा करना। साथियों रियलिटी मैंने जिस बिजनेस उसका बाद शुरुआत किया साथियों, मेरा पास फोल्डर था, उसी फोल्डर में 2-4 लोगों को मैंने प्लान समझाया, मना कर दिया। मैंने फिर बाबू को पूछा गुरु जी करना क्या पड़ेगा, और मैंने देखा उसी हॉल में मैं जाता था, बैठा रहता था, बाकी लोग आते थे लैपटॉप लेके आते थे और लैपटॉप खुल के दिखाते थे। मेरा माइंड में फिर आया यार अगर मेरा पास लैपटॉप होगा तो फिर बिजनेस दौड़ेगा। ये सर लो साथियों मैंने फिर महागुज को पूछा नहीं, ज्वाइनिंग करने का बाद एक भी मेरा पास चेक नहीं आया था साथियों, मेरा पास कुछ पैसा था और कुछ उधार लिया साथियों। कॉलम हो गया SBI ATM में साथियों गया मैंने, 26,000 रुपए का साथियों मैंने लैपटॉप परचेज किया। साथियों एक भी चेक मेरे पास नहीं आया था साथियों। लैपटॉप लेने का बाद महागुरु जी के पास गया, बोला महागुरु जी लैपटॉप आ गया लोड कर दो। मुझे याद है उसी दिन महागुरु जी ने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, सोचा होगा महागुरु जी अरे लड़का एक भी चेक नहीं है कि लैपटॉप लेके आ गया। मैंने बोला गुरु जी पूरा डाल दो इसमें जो भी है, गुरु जी ने डाउनलोड कर दिया। फिर मैं बोला गुरु जी फॉर्म दे दो, मुझे याद है महागुरु जी वो दिन महागुरु जी के पास एक कोई दूसरा जमीन वाला बंदा था, बोला महागुरु जी ने मुझे पूछा कितना फॉर्म चाहिए, मैंने बोला 2-3 फॉर्म दे दो। मैं बोला क्या बात कर रहे हो महागुरु जी, 2-3 फॉर्म क्या होगा, अभी लैपटॉप आ गया मेरे पास, मुझे 10 फॉर्म दे दो इसी हफ्ता में ज्वाइन करा। थैंक यू वेरी मच। तब पता नहीं महागुरु जी उस दिन मुझे क्या देखा, 10 फॉर्म दे दिया महागुरु जी और ब्याज में लेके आया। उसका बाद साथियों ज्वाइन कराना शुरू हो गया मेरा साथ में, बहुत लोगों बोला, कोई बोला कंपनी अच्छा नहीं है चलेगा नहीं फंसाने वाला कंपनी है, कोई बोला बहुत अच्छा है हम मिलकर करेंगे। साथियों इसी तरीका से बिजनेस करना शुरू हो गया साथियों। मैंने QAC बना, मुझे याद है साथियों जिस दिन मुझे QAC का चेक मिला था
4,900 रुपया पहला चेक मुझे मिला था। साथियों पहला चेक आया था 4,900 जिस दिन मिला। साथियों रियल की बता रहा हूं, मेरा खाते थे। थैंक यू साथियों, उनको मैंने 2,000 रुपए का पार्टी दे दिया। तो ले यार खाओ, तुम लोग वेस्ट करो। इसीलिए दिया क्योंकि मैंने बोला भैया आज से मेरा शुरुआत हो गया करोड़पति बनने का। और चार दोस्त को मैंने बोला आज का बाद से 3 से 4 साल के बाद आप लोग मुझे देखने के लिए नहीं मिलेगा। और आप लोग मुझे देखना चाहोगे साथियों, आपको 1,000 का टिकट लेके आना पड़ेगा मुझे देखने के लिए। तो साथियों उसी दिन मैंने ड्रीम देखा था, तो आप बताइए मेरा सपना पूरा हुआ नहीं हुआ? साथियों उसी दिन का बाद आंख बंद करके शुरुआत कर दिया बिजनेस। जो भी मेरा आंखों का सामने आया, चाहे बंगाली हो, कनाडा हो, तेलुगु हो, पंजाबी हो, बिहारी हो, राजस्थान, एनी बड़ी कोई भी हो, थैंक यू वेरी मच। जो भी मेरा आंखों का सामने मिला साथियों, सिर्फ सबका बारे में बताया और ज्वाइन कराया। उसका बाद साथियों क्यूओसी से लीडर्स क्लब बना, सिल्वर बना, गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना, एमराल्ड बना, रूबी बना, और आज आप लोगों का सामने साथियों 10,000 की नेटवर्क मैंने खड़ा कर दिया, 10,000 की टीम खड़ा कर दिया। थैंक यू वेरी मच। जहां पर साथियों लोग बोलते थे कि दो लोग जज नहीं करेगा, लोग बोलते थे 1,000 की चेक नहीं आएगा, लोग बोलते थे कोई डायमंड नहीं बनेगा, साथियों मैंने उकर की आज दिखा दिया। साथियों आप लोगों का सामने इस बैंगलोर में दिखा दिया, इस बैंगलोर में। थैंक यू वेरी मच। उसका बाद साथियों आगे बढ़ते गया, उसका बाद मेरा साथ में बहुत लोगों भी लाइन लगा खड़ा है डायमंड बनने के लिए। इसके बाद साथियों लेकिन सर एक बात बताता हूं कि मैंने इस बिजनेस में कामयाब कैसे हो गया। साथियों मुझे रियलिटी याद है, कभी भी अगर मेरा माइंड में थोड़ा बहुत नेगेटिव आता था, कभी मुझे लगता था कि टीम वाला बात नहीं मान रहा है, ऑफलाइन से बार बार फोन आ रहे, मुझे लगता था कोई मुझे टॉर्चर कर रहा है, मुझे लगता था कभी कभी ऑफलाइन मुझे प्रेशर कर रहे ये करने के लिए, फंक्शन अटेंड करने के लिए, उधर जाने के लिए। जब जब नेगेटिव आता था साथियों, मैं दो चीज सोचता था कि अगर इस बिजनेस को मैं क्विट कर लेता हूं तो क्या होगा मेरा जिंदगी, अगर मैं कर लेता हूं क्या होगा मेरा जिंदगी। मुझे याद है साथियों, मेरा मम्मी पापा बड़ी सिस्टर यहां पर बैठा है, जब साथियों मैंने 6th-7th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करता था, मुझे याद है मेरा घर में मेरा पापा खेती करते हैं, जितना घर में खेती होता था धान साथियों सिर्फ 6 महीना खाने के लिए होता था, सिर्फ 6 महीना। उसका बाद मैंने देखा, थैंक यू वेरी मच, मेरा मम्मी पापा जाते थे दूसरा घर में धान कर्जा में लेने के लिए, उधार लेके आते थे 6 महीना खाने के लिए, और लोग भी 2-4 बात सुनाते थे, कभी देते थे कभी नहीं देते थे। और मैंने जो मुझे याद है मेरा मम्मी का जो भाई है रिलेशन ब्रदर, वो तो गवर्नमेंट राइस का बिजनेस करता था, वहां पे जाके मेरा मम्मी लेके आता था। साथियों मेरा घर में 1 साल खाने के लिए राइस नहीं होता था साथियों, वो चीज मुझे याद आता था उसी टाइम। थैंक यू वेरी मच। साथियों जब जब मेरा मन में दो विचार आता था, कभी सोचता था बिजनेस करूं ना करूं, साथियों वो चीज मुझे याद आता था कि मेरा घर का हालत क्या है, मैं जिस हालत में बड़ा हूं अगर मैं शादी करूंगा मेरा बच्चा भी उसी हालत में पढ़ेगा। साथियों मैंने 1 क्लास से 10th तक पढ़ाई किया, साथियों ने 10वीं क्लास पास किया, साथियों मेरा पैर में चप्पल नहीं था साथियों, बिना चप्पल मैंने 10th क्लास पास किया था, ये था मेरा घर का सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच। जब जब मुझे दो बात आता था साथियों बिजनेस को लेकर, वही चीज मुझे याद आता था मेरा मन में, अगर मैं शादी कर लूंगा मेरा बच्चा भी वही कंडीशन में गुजरेगा, मेरा पूरा परिवार भी उसी हालत में गुजरेगा। साथियों वो सारे चीज मुझे याद आता था, उसका पास साथियों मैं बिजनेस को देखता था। साथियों याद है जब जब मेरा मम्मी पापा का फोन आता था इस बिजनेस को साथियों लेके, मैं कमिटमेंट लिया था उसी दिन का बाद कि जब तक मैंने इस बिजनेस में सफलता नहीं पाता हूं
जब तक मैं सक्सेस नहीं होता हूँ तब तक साथियों कमिटमेंट था कि मैं शादी नहीं करूंगा, साथियों शादी नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच साथियों। मुझे याद है मेरा मम्मी काल भी बता रहा था मुझे, घर में मेरा साथ में आया, मेरा मम्मी पापा बोल रहे थे कि गांव वाला सब बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा कोई लड़की रखा होगा बेंगलुरु में, इसीलिए शादी नहीं कर रहे। मेरा मम्मी बोलता था लोग बोल रहे तेरा बच्चा भी है, तेरा बेटा भी है, बेटी भी है। और साथियों मेरा मम्मी जब आया परसों घर में, रात को मैं दिल्ली में था, मैं बोला मम्मी आप पहुंच जाना, खाना पीना रेडी है। दूसरा दिन मेरा मम्मी वो मन में सोच रहा था, मुझे बताया कि मैंने सोचा सब लोग वही बोल रहे कि मैंने सोचा तूने बीबी को कहीं छुपा दिया, और उसको बोला खाना रख दे, मेरा मम्मी पापा आ रहे खाने के लिए। साथियों इसी तरीका से गांव वाला बोलते थे साथियों, लोग इसी तरीका से बोलते थे साथियों, कि हजारों बार साथियों बोलते थे मुझे लेकर, मेरा बिजनेस को लेकर। गांव में कोई कोई बोलते थे पता नहीं उनको बिजनेस के बारे में, बोले थे कोई फंसाने वाला काम कर रहे, शादी हो गया सब कुछ हो गया, मेरा मम्मी पापा बेचारा बहुत मन दुख करते थे क्या हो गया हमारा बेटा का साथियों। लेकिन कमिटमेंट था साथियों मेरे पास, एकदम स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट था, सर अपन डायमंड बनेगा तो बनेगा तो बनेगा तो बच्ची रहेगा डायमंड बच्ची रहेगा। साथियों वो ड्रीम आज आप लोगों का सामने में खड़ा हूं, तो आप बताए साथियों, साथियों इस बिजनेस को मैंने बेंगलुरु में शुरुआत किया था, इसी शहर में साथियों बिजनेस मुझे सक्सेस मिला नहीं मिला है ये सर नो। लेकिन साथियों एक बात बताता हूं, मेरा ग्रेट मेंटर मिस्टर के सुमा शंकर जी बहुत महान व्यक्ति है। साथियों मुझे याद है, जरूर बताना चाहूंगा साथियों, में पर्व नहीं बना था पर प्रमोशन था साथियों, मुझे गाड़ी बुक करना नहीं आता था मोबाइल में, मेरा जिस दिन पर प्रमोशन था मैं गुरुजी को कॉल किया, गुरुजी मुझे गाड़ी बुक करना नहीं आता है, हम लोग 10 आदमी है जाने के लिए फंक्शन, थोड़ा आप गाड़ी बुक करके भेजवा दो गुरुजी तो भी हम जाएंगे। गुरुजी बोला कोई बात नहीं साहू मैं सिखाने के तैयार हूँ। गुरुजी उसी दिन मुझे गाड़ी बुक कर दी कि भेज दिया, बोला साहू एक गाड़ी का ड्राइवर वहां पे बैठ गया पर्व बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच गुरुजी आपका सपोर्ट के लिए। साथियों आप बताए साथियों, कोई अनजान व्यक्ति जिसका साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, क्या इतना मदद कर सकता है बाहर दुनिया में? अब बताओ साथियों कोई इतना हेल्प मिल सकता है? लेकिन साथियों मेरा महान अप्लाई उसी गाड़ी में गया पर्व बन के आया। साथियों हर मोमेंट में हर जगह में प्लान कैसे दिखाना, आज भी साथियों कहीं बाहर जगह को जाता हूं ट्रेनिंग देने के लिए, कॉल करता हूं महागुरु जी मुझे स्लाइड बोलने की दे दीजिए, वहां पे क्या क्या बोलना पड़ेगा कैसे करना पड़ेगा, आज भी महागुरु जी मुझे बताता है। और एक बात जरूर बताना चाहूंगा, लेकिन जिस दिन मैंने महागुरु जी को माना, बोला महागुरु जी का मैंने पहला डायमंड फंक्शन गया था देखने के लिए हैदराबाद, वहां पे महागुरु जी का डायमंड फंक्शन चल रहा था, तब साथियों में सिल्वर लेवल में था, कुछ नहीं पता था डायमंड क्या होता है क्या सम्मान मिलता है। लेकिन हॉल में जब मैंने देखा महागुरु जी को इतना मान सम्मान मिलता था, लोग महागुरु जी का फोटो लेके नाच रहे थे, लोग डांस कर रहे थे, लोग झूम रहे थे। साथियों कमिटमेंट लिया था उसी फंक्शन में मैंने, मुट्ठी बांध दिया था और बाहर आके इंतजार किया था महागुरु जी कब बाहर आएंगे हाथ मिला के जाऊंगा। जब महागुरु जी बाहर आए आधा घंटे का बाद साथियों हैदराबाद में, साथियों आधा घंटे का बाद महागुरु जी आया हाथ मिलाया, बोला महागुरु जी मैं डायमंड बनूंगा, आप मुझे खाली गाइड करिए, मुझे आप खाली फॉलोअप करिए। साथियों उसी दिन का बाद साथियों मैंने कमिटमेंट मेरा पूरा था, और उसी दिन का बाद महागुरु जी मुझे हर जगह में बताते हैं साहू कोई बात नहीं तू चिंता नहीं करना है, कोई तेरा साथ है ना है, कोई तेरे को सपोर्ट करे ना करे, किस तरीका सपोर्ट चाहिए मुझे बता, मैं सपोर्ट करने तैयार हूं, सिर्फ तो कमिटमेंट ले डायमंड बनने का। थैंक यू वेरी मच। साथियों आप बताइए इसी तरीका बाहर दुनिया में कोई अपलाइन हो सकता है क्या? लेकिन साथियों थैंक्स गॉड मुझे इस तरीका का अपलाइन, ग्रेट अपलाइन मिला है मेंटर का रूप से, जिनकी बदौलत
जिन्होंने मुझे आज जीरो से लेकर आज यहाँ तक हीरो बना दिया। जिस दिन मेरा पास कुछ भी नहीं था वहां से लेकर आज मेरा प्लान ने मुझे साधारण स्टार बना दिया, स्टेज पर स्टार बना दिया है। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद साथियों सिल्वर बनने का बाद गुरु जी ने मुझे फोन किया, एक बार बोला साहब गोवा में के फंक्शन है, ट्रेनिंग होगा 4 दिन का, हम जाएंगे। मैंने बोला गुरु जी मैं आऊंगा। साथियों गोवा मैंने पहली बार गया था 4 दिन का ट्रेनिंग लेने के लिए। साथियों मैं वहां पर सुना था महागुरु जी ट्रेनिंग में बताते थे यूपी में एक डायमंड है उसका नाम है लाल बहादुर शर्मा, बिल्कुल किसान है, उसको बोलना भी नहीं आता है। उसका वीडियो साथियों लाल बहादुर शर्मा जी का वीडियो महागुरु जी दिखाते थे। तो मैं वहां पर जब गोवा में गया उनको सामने देखा तो मैं जैसे होटल में एंट्री किया देखा वहां पे लाल बहादुर शर्मा बैठा है, मैंने उनको देखा याद आ गया। और 4 दिन का अंदर उनका बातचीत सुना, गुरु जी बोलते थे किसान है, कुछ नहीं आता था उनको, साइकिल में शुरुआत किया था, चप्पल पहन के आया था मीटिंग में। साथियों उनको देखने का बाद मैंने बहुत मोटिवेट हो गया और मैंने सोचा रहे तो किसान जी अगर डायमंड बन गया साला मैं तो पढ़ाई किया हूं, बीए पास किया हूं मैंने, तो साला मैं क्यों डायमंड नहीं बन सकता। थैंक यू वेरी मच। साथियों उसी व्यक्ति से मैंने सबसे ज्यादा मोटिवेट हुआ था। उसका बाद साथियों मैंने बेंगलुरु आया, डिसीजन लिया साथियों। उसका बाद लाल बहादुर शर्मा जी को मिलने का बाद साथियों मैंने फुल टाइम बन गया था साथियों, इस बिजनेस में फुल टाइम शुरुआत किया था। थैंक यू वेरी मच। उसका बाद साथियों अचीवमेंट का मैं बात करूं साथियों, इसी बेंगलुरु में मुझे 7 साल हो चुका था साथियों। साइकिल था मेरा पास 500 रुपया का साथियों, जैसे किनियन साइकिल मैंने परचेस किया था, उसी साइकिल में साथियों मैंने 7 साल गुजारा था बेंगलुरु में। और इसी बिजनेस का बदौलत से साथियों बाइक परचेस किया, लैपटॉप परचेस किया, उसका साथ साथ साथियों मैंने आज मेरा पास साथियों 8.5 लाख का सिर्फ डिजायर कार में घूमता हूं साथियों। उसका बाद साथियों मेरा गांव में इतना सारा लोग है साथियों, अभी तक साथियों कोई विदेश यात्रा नहीं किया। सबसे बड़ी अचीवमेंट साथियों मेरा इस बिजनेस का माध्यम से साथियों, मेरे सेल्फ सब कंपनी का माध्यम से साथियों, मैंने दो बार साथियों मैंने फॉरेन ट्रिप करके आया, दो बार। थैंक यू वेरी मच। उसका बाद साथियों पूरा इंडिया घुमा हो, इंडिया का ऐसा कोई शहर नहीं है जिस शहर मैंने नहीं गया साथियों। ड्रीम देखा था फ्लाइट में सफर करने का, लेकिन साथियों इस बिजनेस में आया, आज बताते साथियों बहुत खुशी होता है साथियों, आज बताते दिल से बताते हो साथियों, आज हर महीने में साथियों कम से कम 6 से 8 बार साथियों मैंने फ्लाइट में सफर करता हूँ साथियों, फ्लाइट में सफर करता हूँ। भाई तो आप बताइए तो बिजनेस बढ़िया है कि बहुत बढ़िया है, करना चाहिए सारे लोग डायमंड बनना चाहिए सारे लोग साथियों, आज स्टार बन गया है साथियों, बहुत खुशी होता है दिल से बता रहा हूं साथियों, आज मैं दिल से बहुत खुश हूं साथियों, बहुत खुश हूं। आई लव यू ऑल ऑफ देम साथियों, आई लव यू साथियों। जिस दिन जॉइन किया था सपना देख रहा था साथियों, आज मुझे भी सपना जैसा लग रहा है साथियों, सपना देखा था कि मैं जाऊंगा लोग मुझे रेड रूज का सा स्वागत करेंगे, कहीं भी जाऊंगा लोग मेरा फोटो लेंगे, सर प्लीज सेल्फी लोग मांगेंगे, ये सारी चीज साथियों मैं सपना देख रहा था, सपना बनाया। आप बताओ साथियों आज वो सारे चीज साथियों मेरा पूरा हो गया, आज कहीं भी जाता हूं ऑल ओवर इंडिया में साथियों, लोग आते स्वागत करने के लिए, लोग आते फूल का साथ स्वागत करते हैं, हर जगह में लोग फोटो लेते हैं, तो साथियों बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच साथियों, दिल से आज बहुत खुश हो गया मैं। और साथियों कमिटमेंट बताता हूं साथियों, सिर्फ साथियों ये मेरा कमिटमेंट है महागुरु जी, आज मैं डायमंड बन गया, लेकिन साथियों आज मेरा कमिटमेंट है एक्चुअली साथियों, मैं बता रहा था मेरा टीम वाले को, ये बता रहा था कि महागुरु जी मेरा काम तो शुरुआत नहीं हुआ है, जितना आज से मैं 4 साल इस बिजनेस में हुआ कि साथियों मेरा ट्रेनिंग चल रहा था, क्या चल रहा था मेरा
ट्रेनिंग चल रहा था, अभी तो पूरी ट्रेनिंग मेरा आज कंप्लीट हुआ साथियों। आज से थैंक यू वेरी मच साथियों, मेरा पूरा ट्रेनिंग आज समाप्त हुआ साथियों। आज से साथियों शुरुआत होगा मेरा बिजनेस का असली काम साथियों, आज से मैं शुरुआत करूंगा साथियों, आज से शुरुआत होगा। थैंक यू वेरी मच, कमिटमेंट करता हूं महागुरु जी। आज मैंने डायमंड बना, मेरा ड्रीम पूरा हुआ, लेकिन कमिटमेंट है महागुरु जी, जब तक मेरा पास जान आएगा साथियों। गुरु जी विजन बहुत बड़ा है, विजन गुरु जी मेरा, बंदा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो महागुरु जी, कोई रहे ना रहे, लेकिन सिर्फ मुझे मेरा प्लान चाहिए महागुरु जी चाहिए, और टीम चाहिए साथियों। कमिटमेंट करता हूं पूरा, अपना दम पर कमिटमेंट करता हूं साथियों, जब तक मेरा पास जान रहेगा साथियों, मैंने सारा 1000 डायमंड बना दिखा दूंगा, 1000 डायमंड। थैंक यू वेरी मच, आज से 5 दिन पहले महागुरु जी कोई टीम वाला मुझे फील्ड में मिला, बोला सारा बनने वाला डायमंड हो फिर भी फील्ड में आते, मैं बोला साथियों, मैं इनको बोला साथियों आज डायमंड तो सिर्फ बन रहा हूं, अगर इस बिजनेस का माध्यम से मेरा साथ 1000 भी डायमंड हो जाएगा, उसका दूसरा दिन आप देखोगे ना, ये सारा सारा फील्ड में घूमते रहेगा, फील्ड में घूमते रहेगा साथियों। बहुत बड़ा काम करना है महागुरु जी, कमिटमेंट करता हूं महागुरु जी, बहुत बड़ा बिजनेस करना है मेरे को, मेरा नाम का सामने स्टार लगाकर रहना है साथियों, आज दुनिया को दिखा दूंगा साथियों मेरा इतिहास में, कमिटमेंट करता हूं महागुरु जी, मेरा लाइफ का हिस्ट्री में मैं एक दिन आराम करूंगा, मैं पूरी दुनिया घूम घूम के बिजनेस को फैलाऊंगा, कमिटमेंट करूंगा साथियों। जिस दिन मैं मर जाऊंगा ना, मेरा एक कमिटमेंट 1000 नहीं लाखों लोगों की आंखों में आंसू आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, इतिहास में नाम रहेगा साथियों, इस टीम का इंतजार था, और कमिटमेंट करता हूं मेरा टीम का सामने, जो भी यहां से डायमंड बनना चाहते हैं साथियों, मैं आप लोगों का साथ में हूं, मेरा महागुरु जी मिस्टर के सुमा शंकर जी साथ में है, आप लोगों को हर मंजिल पर आपका डायमंड शिप तक साथियों पहुंचाना काम हमारा जिम्मेदारी है साथियों, आप सिर्फ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आप सिर्फ कमिटमेंट का साथ में सिस्टम को फॉलो करिए। मुझे महागुरु जी ने बता दिया था कि साहू मैं आपको डायमंड बनाऊंगा, लेकिन आप एक दिन भी फ्राइडे ट्रेनिंग, एक दिन भी संडे भेनो, एक दिन भी कोई फंक्शन कोई ट्रेनिंग कहीं भी इंडिया का अंदर एक्टिव होता है कहीं भी मिस नहीं करना साथियों, बोला था महागुरु जी। उसी दिन का बाद साथियों थैंक यू वेरी मच, एक दिन अभी तक साथियों मैंने ना ट्रेनिंग भेनो मिस किया हूं साथियों। मैं ये बताना चाहता आप लोगों को, जो भी व्यक्ति डायमंड बनना चाहते हैं साथियों, ना एक दिन संडे भेनो ना फ्राइडे ट्रेनिंग मिस नहीं करना है, करने तैयार आप सारे लोग साथियों। एक बात और जरूर बताना चाहूंगा साथियों, सेफ सब कंपनी के माध्यम से साथियों, पहली बार मैंने जिस दिन फ्लाइट सफर किया साथियों, मैं एक बताना चाहता हूं कि मेरा प्लान कितना महान है साथियों। पहली बार महागुरु जी ने मुझे बताया कि साहू कि 2 दिन का बाद प्रोग्राम दिल्ली जाना है, और मैंने पूरा कट मारने का प्लानिंग में था, फंक्शन का पहला दिन महागुरु जी के पास पहुंच गया, महागुरु जी बोला साहू का जाने के तैयार है, मैंने उससे पहले बोलता था महागुरु जी मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन इवनिंग को गुरु जी पूछा, बोला गुरु जी नहीं जाऊंगा, क्यों गुरु जी मेरे पास पैसा नहीं साथियों। मेरा महान गुरु जी तो महान है साथियों, उसी दिन पहली बार साथियों मेरा महागुरु जी जेब से पैसा निकाला, मेरा हाथ में 8000 रुपया थमा, और बोला साहू थैंक यू वेरी मच थैंक यू, मुझे 8000 रुपया हाथ में थमा, बोला साहू मैं उधार दे रहा हूँ, फ्री में नहीं दे रहा हूँ, उधार दे रहा हूँ, अभी फ्लाइट टिकट 6000 रुपया, अभी फ्लाइट टिकट करो और अब दिल्ली जाके पहुंचो, कल वहां पे ट्रेनिंग में मिलेंगे। उसी दिन साथियों मैंने महागुरु जी पैसा दिया था, उसी पैसे में साथियों मैंने पहला फ्लाइट सफर किया था। तो आप बताओ साथियों, बाहर दुनिया में ऐसा कोई महान व्यक्ति, अगर अपना मम्मी पापा भी इतना मदद नहीं कर सकते, ये फरमाओ, लेकिन साथियों मेरा गुरु जी इतना महान था, मेरा गुरु जी इतना महान था साथियों, मुझे इस कदर से उन्होंने मुझे मदद किया था, उसके लिए साथियों आज यहां पर मैं पहुंच गया हूं। दिल से चाहता हूं साथियों, रियलिटी चाहता हूं, एक बार महागुरु जी सुमा शंकर महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं।
साथियों आज एक कमिटमेंट करके मैं जाता हूं। साथियों जाने से पहले साथियों कमिटमेंट है मेरा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा पूरी इंडिया के अंदर कहीं भी कभी भी साथियों मेरा टीम को बताना चाहता हूं, कहीं भी आपको मेरा जरूरत पड़ेगा साथियों किसी भी समय पर, चाहे रात को 1 बजे 2 बजे चाहे सुबह 5 बजे 6 बजे हर मोमेंट में आप याद करेंगे साथियों, मैं आप लोगों का साथ में साथियों उसी वक्त खड़ा हो जाऊंगा साथियों उसी वक्त। थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने आज आया है और मेरा ये ऐतिहासिक दिन आप लोगों को पार्टिसिपेट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी आपको, आप लोगों ने